व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे इज पूरव झा एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिहाइंड द सीन होंगे पूरव झा की वीडियो जो वो थी डॉली टपरी वाला वड़ा पाव, जो भाई बहुत गजब वीडियो थी ब्लॉगर वाला जो, तो एआई इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से भाई ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया फेशियल, स्पेशली जो वो वड़ा पाव गर्ल वाला, हां भैया, तो पूरव झा फैंस कमेंट में भाई साहब ओपी लिख दे पूरव झा की एक्टिंग के लिए भाई साहब गजब, तो करते साथ में एंजॉय 1 2 3 गो। ठंड ठंड इतनी ठंड करती है ये रोल, हेल यू हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी तक वीडियो आ चुकी होगी, आपने वीडियो देख ली होगी, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अब इसके पीछे की मेहनत देखो, आज है हमारा डे वन और हम हैं नितिन जी के साथ, आगे बैठो। तो हम जा रहे हैं नितिन जी की गाड़ी में क्योंकि जो मेरी गाड़ी है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भाई थोड़ी कम है और वहाँ गड्ढे पड्ढे ज्यादा है। द्वारका जा रहे हैं हम लोग अभी शूट के लिए, तो हम अपनी गाड़ी नहीं ले जा रहे। ग्राउंड क्लियरेंस तो इसकी भी कम है पर ये तो ऑलरेडी खत्म है गाड़ी। नितिन जी साल है। कोई नहीं, मैं तेरे को दूंगा नई गाड़ी, टेंशन ना ले, मेरी टीम ज्वाइन कर ले, हम दोनों मिलके रॉक कर देंगे भाई। कल जा रहा हूँ फिर, कल से डन है भाई, नया टीम मेंबर ब्रो। देखो भाई बाकी सारे लोग पहुंच चुके हैं सेट पे, वहाँ पे ऑलरेडी वो लोग 2-3 घंटे पहले पहुंच चुके हैं कि थोड़ा ताम झाम और चीजें हैं वो सारी चीजें रेडी कर लें और अपन थोड़ा आर्टिस्ट फील ले रहे हैं, इसलिए डीओपी और आर्टिस्ट क्यों। दोस्तों सेट पे आ चुके हैं हम, पीछे भी सेटअप वगैरह हो रहा है और देखो कौन आई है सेट पे, को नहीं बुलाया भाई मैंने क्योंकि यार ये लोग महंगे लोग हैं, आप लोग हर्ष बेनीवाल प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, प्यार खाना खाने आई है, अच्छे से डायरेक्ट कर दियो, एक बार में निकाल दिया सारा, ठीक है ना, फ्री में काम निकलवाऊंगा सबसे। सो दोस्तों आज मैं कर रहा हूँ वापस से 4 कैरेक्टर्स, तो आप समझ जाओ कौन कौन से कैरेक्टर हैं, वीडियो तो देख ही लिया आप लोगों ने, तो भाई अब आएगा मजा, अब कैरेक्टर में करूंगा बकचोदी, तब कैरेक्टर में होगी ब्लॉगिंग, तो ये भी एंजॉय करो मस्त। एंड यस गाइस एक चीज बताना मैं भूल गया, थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी जो लास्ट हर्ष भाई की वीडियो आई थी एलविश वर्सेस मैक्सन वाली, उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया मेरे को, मतलब मैंने कॉमेंट्स पढ़े, मेरे को पर्सनली भी बहुत डीएम आए, तो थैंक यू सो मच तुम्हारे भाई, तुम्हारा भाई अभी देखो यार जस्ट स्टार्टिंग है ये, अभी सही बताऊं तो अभी ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स करूंगा ना जितना भी आने वाले टाइम में तुम्हें मजा आ जाएगा भाई, फुल एफर्ट्स, ठीक है साढ़े तुम्हें मजा आ जाएगा, ये ठीक है दोस्तों, चलो फटाफट मेकअप कराते हैं, ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट है, लेट्स स्टार्ट। तो अभी जो कैरेक्टर कर रहा हूँ पता ही है, मेकअप पे पता है यार क्या होता है, हर बार टैनिंग चढ़ती है मेरे को शूट पे, फिर टैनिंग उतरती है एक हफ्ते बाद, वापस फिर आउटडोर शूट लगा के आया हूँ, अरे क्या सनस्क्रीन वनस्क्रीन में 12-12 घंटे जब धूप में रहोगे तो घंटा कुछ होगा, देख रहे हो तुम लोगों के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, और व्यूज नहीं देते तुम लोग, येलो डॉलर कर रहे हमारा वापिस, ओए बन जा रहे क्या बन रहा है तू, एक्सप्लेन कर अपना कैरेक्टर मिस्टर टिक्कू, बस उनकी तरह एक्ट करके दिखा, देखी नहीं होगी वीडियो, वही कर देगा वीर वर्सेस वीर वाला, हो एक ही कैरेक्टर तो इसका चला है थोड़ा सा डॉली लगता हूँ, कहाँ से लगता हूँ डॉली, मैं हूँ डॉली यार, डॉली मैं ही हूँ, डॉली किधर है अभी, बच्चों बच्चों को बताया डॉली दुबई में भाई, चोको ये लोग खुद मेरे पास आते हैं कि हमको डॉली बनना है, कुछ जोर जबरदस्ती नहीं करता मैं, भाई 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 मेरी मम्मी को जोर दो, मैं डॉली बनने को तैयार हूँ भाई, प्लीज ए डॉली। तो गाइस डॉली का सीन निकल चुका है, मतलब ज्यादा सीन नहीं था, मेकअप बहुत होता है, हमें तो लगता है बस कपड़े पहन के होता है, आपने देख लिया वीडियो में, अब हम रेडी हो रहे हैं बड़ा पाव गर्ल के लिए, ये जा रहा हूँ पूरा ये सफा चक्कर में, तो बेस्ट लगी थी लड़की का कैरेक्टर है तो पूरा क्लीन शेव होना जरूरी है, अब आएगा मजा, बहुत डिमांड थी भाई इस कैरेक्टर की तो करना ही पड़ता भाई, बिल्कुल तो दोस्तों मैं बन चुका हूँ एकदम चिकना सुअर, देख सकते हो एकदम लग रहा हूँ बढ़िया, नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी ये लुक, अपन एकदम दाढ़ी में रहते तो एकदम मर्दवादी फीलिंग आती है, अभी लग रहा है कि तू भी चिकना और भाई इतना, मैं तो दीदी के वड़ा पाव खाने आया हूँ, ये दीदी के वड़ा पाव खाने, क्या कहते हैं गाइस, अगला शॉट है
अवि सिंह का, और अवि सिंह बने हैं वड़ा पाव बॉय। और इस लड़के ने अगर वन टेक दे दिया तो मैं भाई कह रहा हूँ, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, मैं इसको 2000 रुपए दूंगा हैंड टू हैंड भाई। नहीं दिया तो मैं गांड हूँ भाई, जगत अगर नहीं दिया तो ठीक है कर देगा ना। अरे सब याद है सब। और नहीं ना, ना वाला भी तो शर्त होता है, ना वाला तो मेरे को तो पता ही इस महीने की सैलरी काट ठीक है आपकी ब्लॉग बना रहा हूँ ये अटका फिर देख ऐसे जो बच्चा उछालता है ना मिर्ची ऐसे मिर्ची तो उछलेगी सुन। और ये वाला डायलॉग बोलेगा ना बड़ा पाव तो हम भी बनाते नहीं हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं उसके बाद एक मिर्ची उछाल दी होगी तेरी आंख में जाना चाहिए एक मिर्च तो क्यों नहीं मेरे को भी जानना है मेरे कस्टमरों को भी जानना है बता क्यों। पहली बात तो दीदी आप थोड़ी सी जेंट्स हाँ बेटा बता दो इनके वड़ा पाव ज्यादा क्यों बिकते बता दो बताओ। वड़ा पाव तो हमारे भी हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ टिक्कू जी मतलब ये जो खाली लोग बैठे ये भी जानना चाहते हैं बताओ। मैं भी बताओ पहली बात तो दीदी आप थोड़ी सी लेडीज हो थोड़ी दूसरी बात अरे सब याद है सब चलो जी वेरी गुड जी चलो नेक्स्ट भाई फटाफट इसने कहा था एक टेक मिलेगा और 2000 रुपए मतलब मैंने कहा था कि मैं दूंगा इसने पता कितने टेक लिए 12 माइनस तेरे को ऑन सेट बिल्कुल ही वैसा बिल्कुल ही देखना मेकअप बहुत खतरनाक चीज है। एक डायलॉग के लिए तुम्हें टाइम एक डायलॉग था मेरा ही फोन है ना डिलीट कर दूंगा पूरब हो गया भाई D1 का पैकअप ऐसे कॉन्डम चढ़ाओ उतार क्यों दिया जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो उतार दिया इतनी जल्दी थोड़ी हो गया हटा दिया माल निकला भी नहीं। तो गाइस आज है डे टू क्या डे टू बैचू ढाई बजे इतनी आरुष बोला वो अंकल डे टू हम आ चुके हैं नोएडा गुड़गांव से ढाई घंटे में पर हालत खराब हो चुकी है ऑलरेडी थकान हो चुकी है अब सो जाते हैं एक घंटे की नैप लेते हैं उसके बाद चल रहे क्यों हम फिर स्कूल बंक करके आ गए स्पाइडरमैन बाबा वाले कैरेक्टर के लिए पूरा भाई इतनी गर्मी है ना इतनी गर्मी की क्या बताऊं प्रचंड ऊपर से ये खुजली और माथे में ओ यार ये तो जल रही है जल गई मेरी बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है गाड़ी काली गाड़ी का यही ये कचौड़ी वाले अंकल गर्मा गर्म कचौड़ियाँ क्या पकड़ा रहे मेरे को नहीं ये कैरेक्टर भी वैसे ही कर दिया था भाई एक और बार लेते कचौड़ी खाएगा हाँ जी भैया एक प्लेट ओ भैया यार जो कैरेक्टर हर एक कैरेक्टर जो प्ले किया है ना इसके अंदर पूरा ने जो बिल्कुल मतलब सारे अच्छे थे लेकिन बेस्ट एक तो उस पे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो डोली चाय वाला ठीक है लेकिन जो ये वाला था वड़ा पाव भाई ये अब जब हमने इस पे रिएक्ट किया था तब देखना जब मैंने ध्यान से मतलब एकदम से नहीं पता चला था कि ये पूरब है पहले मुझे लगा था किसी लड़की से बिल्कुल जब क्लोज अप गए थे ना उस वीडियो में उस टाइम पर पता लगा था। और एल्विश का कैरेक्टर तो भाई ने मतलब ऐसा कर दिया है वो तो कहीं भी बुलवा लो ऑन द स्पॉट। और जैसे इसमें हमने देखा कचौड़ी वाले से हर एक चीज भाई बैंग ऑन मजा आ गया लेकिन डॉली की टपरी वाला कैरेक्टर भी वन ऑफ द फाइनेस्ट मैं कहूंगा। और सिर्फ ये नहीं कि गेटअप कर लिया और थोड़े से बाल बना लिए पूरा प्रॉपर मेकअप होता है फेस को कॉन्टोर वॉन्टोर क्या करते हो तुम कॉन्टोर पॉन्टोर करके फेस को पतला दिखाना ये सब ओ भैया मजा मतलब एक नंबर। और यू कैन सी द हार्ड वर्क बिहाइंड द वीडियो लेकिन अच्छा ही लगता है कि जब बिहाइंड द सीन्स में आप देखते हो टीम की तरह एंजॉय करते हो काम कर रही होती है। और भाई
मजेदार कि एक बार में सिंगल टेक में सिंगल है और कॉन्फिडेंस भाई साहब है। उसने ये नहीं बोला कि अगर सिंगल टेक में नहीं ले पाया करा तो मुझे पता ही है। बाद में चालू भी तोड़ता वो क्या कह रहा है मेरी फोन में डिलीट कर दूंगा। मस्त है बिहाइंड द सीन एंड आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय करोगे। और वीडियोस भी आप सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।